નમસ્કાર મારા વ્હાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ આઠ અને વિશે છે હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ બે હજાર ત્રેવીસ ચોવીસ તારીખની વાત કરીએ તો મિત્રો અઢાર ચાર બે હજાર ત્રેવીસ અને સમય રહેશે ત્રણ કલાકનો કુલ ગુણ જે છે મિત્રો તમારા રહેશે એસી તો જો તમે કમ્પ્લીટ તૈયારી કરી લેશો તો મિત્રો તમે એસીમાંથી પંચોતેર પ્લસ જે છે માર્ક મેળવી શકો છો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ જો કર ઉત્તર લખીએ બાબા ભારતી કે કા નામ ક્યાં થા તો જવાબ આયગા એ સુલતાન बाबा भारती कहाँ रहते थे तो साचा जवाब मित्रों मंदिर में रहते थे प्रश्न नंबर तीन जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं अस्तबल जवाब आएगा ए पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते थे तो साचो जवाब आए थे मित्रों डी पाँच रुपया देते थे सिर पर सुहाने वाला फूल किस रंग का होता है तो साचो जवाब सी काला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाधर बनाए हैं एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे इनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है छात्रा के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं इस देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देते हैं साथ ही आप पर कुछ कर्तव्य का भार भी डालता है देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए प्रश्न नंबर तीन तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आए आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो इस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वो वे वहाँ नहीं जाना चाहिए अच्छे व्यक्ति की संगति से आपका क्या लाभ हो सकता है नो जवाब जैसे मित्रों अंत में जु सको छो નિમ્ના અનુસાર મિત્રો પત્ર લીખીએ આપને સ્કૂલ કે કિસી બી સમસ્યા કે બારે પ્રધાનાચાર્ય કો પત્ર લખીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પણ તમારે જેને પત્ર લખવાનો છે એનું સરનામું આ ભાગમાં લખવાનું છે ત્યાર પછી નીચે તારીખ ત્યારબાદ વિષય છે કે અમારે સ્કૂલ મેં ખેલ કે પર્યાપ્ત સાધન કા અભાવોના તો તમારે જે વિષય આપ્યો હોય એ લખવાનો છે પછી આદરણીય પ્રધાનાચાર્ય सब इन्हें निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेल के पर्याप्त साधन नहीं हैं क्रिकेट खेलने के लिए केवल एक ही बल्ला है वॉलीबॉल खेलने के लिए जो बॉल है वो भी फट गया है हमारे स्कूल में कैरम और चेस जैसी गेम्स नहीं है मुझे आशा है कि आप खेल के साधनों के अभाव को पूर्ति अवश्य करेंगे आपका याज्ञाकारी शिष्य तुम नाम लिखवा है धोरण और तुम्हारा रोल नंबर लिखवा है तो मित्रों आ प्रकारे अपने पत्र लिखीसु निम्नलिखित शब्दों के साथ सही उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखिए प्रतिदिन तो प्रतिदिन निराधार तो निराधार निर्मूल तो निर्मूल निम्नलिखित शब्दों के साथ सही जोड़कर शब्द लिखिए यंत्र तो यांत्रिक मानव तो मानवता हस तो हसी निम्नलिखित वाक्य में से अवय पहचान कर लिखिए उमंग और स्मित घर चल गए तो और तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा या मोबाइल फोन तो या वाह क्या कैच लिया है तो वाह दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी तो तथा वो तेज दौड़ा तो तेज शब्द कोश के क्रम में लिखिए प्यासी आंगन सागर इंसान तो प्रथम आएगा आंगन फिर इंसान प्यासी और सागर घाटी गिरजाधर मुस्कान और चट्टान तो गिरजाधर घाटी चट्टान और मुस्कान लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए युवक तो युवती वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी पंडित तो पंडिताइन पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई थी बढ़ा तो बुढ़िया तो आप उन पर कोई एक वाक्य लिख सकते हैं तो शेर तो शेरनी जंगल में शेरनी दहाड़ रही है पंडित तो पंडिताइन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए कच्छ के तीन बड़े शहर तो आप कोई भी कच्छ के तीन शहर के बारे में यहाँ लिख सकते हैं हमने मांडवी भुज और मुंद्रा के बारे में लिखा हुआ है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो उनके बारे में भी हमने यहाँ लिख दिया है आप ऐसे लिख सकते हैं कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का नगर है यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले जरा तेज चला वरना मेरा चित्र हार निकल जाएगा ड्राइवर बोला अगर मैं ज्यादा तेज चला तो ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्र पर हार चढ़ जाए इन गुजराती में अनुवाद मित्रों करवातृभाषा गुजराती में एक साहेब मोटर में बैठा ड्राइवर ने कहू जरा झड़प थी चाल नहीं तो मारूँ चित्र हार जत ड्राइवर बोलो जो हूँ वे झड़प चलावीश तो क्या एवं न थे कि तराने मार चित्र पर हार चढ़ी जाए નિમ્નલિખિત રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખ કર શીર્ષક એવો બોધ લીખીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમને થોડા ટોપિક આપેલા છે એટલે કે રૂપરેખા આપેલી છે આ રૂપરેખાને આપણે શું કરવાની છે તો એનો ઉપયોગ કરી અને સરસ મજાની જે મિત્રો વાર્તા છે વાર્તા લખી અને આપણે તેનો શીર્ષક આપીશું ત્યાર પછી આગળ વાત કરીશું નિમ્નલિખિત પરિચ્છદકો પડકાર નીચે દીએ કે પ્રશ્ન કા ઉત્તર લીખીએ तो विद्यार्थी मित्रों अई तुम्हें જોઈ શકો છો કે जानवर કો હમ કિસમે બંધ કર સકતે હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહી તમને ફકરો વાંચસો એટલે તમને ખબર છે जानवर કો આપ पिंजરે મે બંધ કર સકતે હે પશુ પક્ષી કિસ દેશ કો પ્રેમ કરતે હે તો પશુ પક્ષી જહા જન્મ લેતે હે ઉસી દેશ કો પ્રેમ કરતે હે પશુ પક્ષી કો ક્યા પ્યારા લગતા હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો અહી લખેલું છે કે જંગલ હી પ્યારા અલગતા હે વાસ્તવમે પક્ષી કા દેશ કોણ મિત્રો એમને ખુલ્લો આકાશ જે છે એ ખુલ્લા આકાશ ની અંદર ઉડી રહ્યા છે એ પોતે એમના દેશને જે છે એ માને છે એટલે અહીં લખ્યું છે ક્યુકી ઉકા દેશ તો ખુલ્લા આકાશ પેડો કે શાખામાં બનાયા ગયા નીડ એટલે કે માળો છે આપણે દેશ મે પક્ષી કો કિન કિન કઠિનાઈઓ સહન કરના પડતા હૈ અહી તમે જોઈ શકો છો धूप वर्षा और ठंड की कठिनाई सह कर भी वो सुखी रह सकते हैं तुम्हारा उचित शीर्षक अपानु लेकिन मित्र शीर्षक किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों के निबंध लिखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप या पुस्तक हमारे मित्र तो आप वहाँ लिख सकते हैं देख कर कि पुस्तक हमारे मित्र ने हमने हाँ एक निबंध लिखा हुआ है પર્યાય શબ્દ દીજીએ સુત તો પુત્ર સાગર તો સમુદ્ર આદિ તો અને સિપાહી તો સૈનિક જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં